एक इंसान को मैंने ऐसा देखा है कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लेता है। 3 महीना, यू नो, ओनली 3 मंथ्स। 377,450 कलीमा, 6,616 आयतें, 1,000 अवामिर, 1,000 नवाही। मगर मैं उससे भी ज्यादा एक जीनियस आदमी को जानता हूँ जो जेल में रह के 3 महीने में कुरान का हिफ्ज करता है। जेल से बाहर जिसने किया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं उस हाफिज साहब को, और जिस हाफिज साहब ने जेल के अंदर किया, दुनिया उस हाफिज साहब को मुजद्दिद अल्फ़ सानी के नाम से याद करती है। वाह वाह, मैं कैसे हाफिज साहब को जानता हूँ जो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लेता है। वो गए इमाम साहब के पास, इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूँ। इमाम साहब ने कहा जा कुरान याद करके आओ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन में फिर हाजिर, हजरत अल्लामा बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कुरान याद कर, बोले कर लिया तुमने 7 दिन में कुरान याद कर लिया? बोले जी हजरत कर लिया। दुनिया उस बच्चे को इमाम मोहम्मद के नाम से याद करती है, इमाम को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से। लेकिन आपको हैरत होगी, मैं कैसे हाफिज साहब को जानता हूँ जो सिर्फ 7 घंटे में पूरे कुरान का हिफ्ज करता है। उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, ही थॉट आई एम नॉट हाफिज कुरान, बट यू सेड हाफिज साहब आई हैव टू ऑप्शन, या तो उसे रोक दो, भाई 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 हाफिज मत बोल, या तो तुम्हारी बात को सच कर दिखाओ। इस वक्त हाफिज साहब सोचते हैं लोग मुझको अल्लामा बोले, अल्लामा सोचता है लोग मुझको मुफ्ती बोले, और कुछ मुफ्ती मुजद्दिद बनने के चक्कर में पेपर बांट रहा है। लेकिन उस शख्स ने सोचा कि या तो इसको रोक दो या इसकी बात सच कर दिखाओ। उसने रोका नहीं, बात सच कर दिखाई। कुरान बुलाया, पहले दिन एक बार अलिफ लाम मीम का पारा एक बार याद कर लिया, दूसरे दिन सयकूल एक बार पढ़ा और याद कर लिया, तीसरे दिन तिलका रसूल सिर्फ एक बार पढ़ा और याद कर लिया, चौथे दिन लंतनालु, पांचवें दिन उल मुहसना, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वैदा समय, आठवें दिन वल वन्नना, नौवें दिन कालल मलो, दसवें दिन वअलमु, ग्यारहवें दिन यातदिरु, बारहवें दिन हुमा मिन दब्बा, तेरहवां दिन हुमा उबर फियो, चौदहवां दिन रुबमा, पंद्रहवां दिन सुभान अल्लाह, तीसवां दिन अम्मा यतसालून। एक बार पढ़ा, पूरे कुरान को याद कर लिया। उनके पढ़ने के